नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। भैया जहां पे मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में, क्या है पूरी जानकारी, क्या है पूरी डिटेल और यही टॉपिक मैंने क्यों चूज किया है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। दोस्तों कम्युनिटी टैब पे मैंने आज एक ऑडियंस पोल जनरेट किया था जहां पे मैंने आप लोगों से पूछा था कि मुझे आज कौन सी वीडियो बनानी चाहिए। तो आप लोगों में से जो 50% जनता है उस जनता ने मुझे बोला कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शॉर्ट टर्म के ऊपर वीडियो बनाइए जहां पे हम इन्वेस्ट करके शॉर्ट टर्म में जो भी हमारे गोल्स हैं उसको अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों लीजिए पेश है आप लोगों के लिए, आप ही लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर एक नया वीडियो जहां पे हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान्स के बारे में। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। दोस्तों मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं आप ही का अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर कश्यप। दोस्तों जब भी बात निकल के आती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, जब कभी भी सेविंग की कोई बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक चीज निकल के आती है, वो होती है फिक्स डिपॉजिट। जी हाँ दोस्तों, आज के डेट में यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट एक अच्छा विकल्प तो है। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अगर आप खोलते हैं फिक्स डिपॉजिट तो यहाँ पे तरह तरह के फिक्स डिपॉजिट आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टर्म डिपॉजिट, साथ के साथ में फिक्स डिपॉजिट भी आपको देखने को मिलेगा। टर्म डिपॉजिट में और फिक्स डिपॉजिट में बहुत फर्क है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ टर्म डिपॉजिट के बारे में, जहां पे आप थोड़ा थोड़ा पैसा करके हर महीने जमा कराते हैं, और वहीं अगर मैं बात करूं फिक्स डिपॉजिट की तो वहां पे इकट्ठा पैसा आप एक बार में जमा करा देते हैं अपने अकाउंट के अंदर, जहां पे उस पैसे के ऊपर आपको कुछ इंटरेस्ट मिलता है। अब दोस्तों बात निकल के आती है कि यहां पे इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा। भैया तो यहां पे जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 6.25% का इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज क्या है भैया, अगर आप सीनियर सिटीजन है तो यहां पे आपको 25% का इंक्रीमेंट, और भैया अगर आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं तो 0.25% का आपको एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है नॉर्मल कैटेगरी से, जो कि एक अच्छी बात है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप चाहें तो फिक्स डिपॉजिट का अकाउंट बड़ी ही आसानी से ओपन कर सकते हैं। क्या प्रोसेस रहता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर नियरेस्ट ब्रांच में आपको जाकर के विजिट करना है, उनको बोलना है कि मुझे फिक्स डिपॉजिट ओपन करनी है, फिक्स डिपॉजिट करानी है, वो आपसे अमाउंट वगैरह पूछेंगे और आपको एक फॉर्म देंगे, फॉर्म फिल करेंगे, अमाउंट वगैरह भर के आप वहां पे फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट करते दौरान आपको एक का और ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको फिक्स डिपॉजिट कितने दिनों के लिए करानी है। फिक्स डिपॉजिट आप अलग तरीके से करवा सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप जा सकते हैं एक साल के लिए, दो साल के लिए, तीन साल के लिए, लेकिन अगर मैं बात करूं फिक्स डिपॉजिट पे अगर आप करा रहे हैं तो कम से कम 5 साल की करवाइएगा, जहां पे आपके पैसे को थोड़ा सा अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों एक तो ये विकल्प है फिक्स डिपॉजिट का, जो विकल्प मैंने आपको बताया शॉर्ट टर्म के अंदर। वहीं अगर मैं दूसरे विकल्प की दोस्तों बात करूं तो वो आता है रिकरिंग डिपॉजिट। जी हाँ दोस्तों, अब रिकरिंग डिपॉजिट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक फिक्स किया हुआ पैसा, लेट सपोज आपके 5,000 रूपये आप हर महीने बचा लेते हैं, अब वही 5,000 रूपये आप कहीं पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं ताकि फ्यूचर में आपके जो भी शॉर्ट टर्म के गोल है आप उन गोल्स को पूरा कर सके, तो रिकरिंग डिपॉजिट के अंदर आप अपने पैसे को कर सकते हैं इन्वेस्ट। अब मैं रिकरिंग डिपॉजिट की अगर मैं बात करूं, एक फिक्स अमाउंट, मिनिमम 500 रूपये, मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है रिकरिंग डिपॉजिट में, कितना भी पैसा आप डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टैक्स रिबेट आपको मिलेगी अंडर सेक्शन 80C के तहत में, सिर्फ और सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1.5 लाख रूपये के ऊपर, उससे ऊपर पैसा जाता है तो वहां पे टैक्स की रिबेट आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों जब कभी भी आप रिकरिंग डिपॉजिट ओपन करेंगे तो आपको इस चीज का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अब दोस्तों किस तरीके से आप रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, किसी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाइए और वहां पे रिकरिंग डिपॉजिट का फॉर्म फिल कीजिए और जितना भी आपको पर मंथ जमा करना है, 500 रूपये मिनिमम, मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है, इतना आप इस चीज को जरूर से ध्यान रखिएगा कि कम से कम 500 रूपये रिकरिंग डिपॉजिट में आप जमा करा सकते हैं, मैक्सिमम इसके अंदर कोई भी लिमिट नहीं, कितना भी पैसा आप इसके अंदर जमा करा सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। भैया यहाँ पे रिकरिंग डिपॉजिट के अंदर हर महीने आपको कराना होगा कुछ ना कुछ पैसा, मान लीजिए आप 500 ही कराते हैं, 1,000 कराते हैं, 10,000 कराते हैं, आप उस पैसे को चूज करते हैं कि डेट आपको कितनी चाहिए रिकरिंग डिपॉजिट की, कि आपकी जो मेच्योरिटी आपको जो मिलेगी रिकरिंग डिपॉजिट की वो कब मिले। तो वहां पे भैया आप 12 महीने से लेकर के 120 महीने तक, यानी एक साल से लेकर के 10 साल तक के लिए रिकरिंग डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि रिकरिंग डिपॉजिट आप कितने दिनों के लिए खोलना चाह रहे हैं, जो कि
आप ही के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उसको एक साल के लिए खोलते हैं, तीन साल के लिए खोलना चाह रहे हैं, पांच साल के लिए या दस सालों के लिए खोलना चाह रहे हैं। तो ये चीज आप खुद देख लीजिएगा, डिसाइड कर लीजिएगा आप खुद ही कि आपका जो गोल है, जो भी आपका गोल है, मान लीजिए एक लैपटॉप आपको लेना है या फिर कोई नई बाइक लेनी है या फिर थोड़े मोड़े खर्चे जो को वो सारे के सारे खर्चे करने हैं, तो उसके लिए आप रिकरिंग डिपॉजिट बहुत ही आसानी से खोल सकते हैं और हर महीने पैसा उसके अंदर जमा करा सकते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट के ऊपर अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे 6.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने तीसरे प्लान की तरफ, जहां पे निकल के आता है भैया SIP। जी हाँ दोस्तों, SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। वैसे तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी आप इसको ले सकते हैं और साथ के साथ में अगर इसको लेकर के चलना चाहे लॉन्ग टर्म में, तो लॉन्ग टर्म में भी लेकर के चलते हैं। अब दोस्तों शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो SIP आप खोल सकते हैं एक साल के लिए, दो साल के लिए, तीन साल या पांच सालों के लिए भी आप SIP खोल सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छा SIP से रिलेटेड मैं एक चीज और बताऊंगा दोस्तों कि अगर आप SIP खोलते हैं तो SIP के अंदर जब कभी भी आप इन्वेस्ट करेंगे, मैं हर वीडियो में बताता हूं और आज भी बता रहा हूं कि जब भी आप SIP ओपन करेंगे तो आप जिस भी फंड के अंदर पैसा लगा रहे हैं वो कोई सा भी फंड हो सकता है, लेकिन आपको वहां पे चीज क्या ध्यान में रखनी है कि भैया वहां पे आपको इस ध्यान रखना है कि पिछले पांच सालों में जिस फंड के ऊपर मैं पैसा लगा रहा हूं उस फंड ने किस तरीके की परफॉर्मेंस दी है, और वहां पे आपको प्रिडिक्ट भी करना है कि आने वाले पांच साल के अंदर या दस साल के अंदर ये वाला फंड है ग्रो करेगा या नीचे जाएगा। आपको प्रिडिक्शन लगानी पड़ेगी, आप खुद भी स्टडी कीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो मैं यहाँ पे अपने चैनल के ऊपर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से रिलेटेड और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड काफी सारी वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आप नए हैं, आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपको इसी तरीके की इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोस हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहती हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब दोस्तों यहाँ पे SIP अगर आप कर लेते हैं, 500 रुपए की SIP करते हैं या 1000 रुपए की SIP करते हैं, मान के चल लीजिए आपने 5000 रुपए की SIP कर ली, पांच सालों के लिए आपने SIP कर ली, तो SIP के ऊपर आपको 12% से लेकर के 18% तक का इंटरेस्ट मिल सकता है। अब 12% से लेकर के 18% तक का जो इंटरेस्ट होगा दोस्तों बहुत ज्यादा है। यहाँ पे कोई भी सेविंग स्कीम इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देती है जितना यहाँ पे आपको SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान दे देगा। इस चीज का दोस्तों ध्यान रखिएगा कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में जब कभी भी आप पैसा लगाते हैं ये पूरी तरीके से मार्केट के ऊपर लिंक्ड होता है, मार्केट पे ही बेस्ड है, और यहाँ पे आपके कोई भी फिक्स अमाउंट कोई भी नहीं बता सकता कि इतना पैसा आपको मिलेगा। अगर सेफ खेलना चाहते हैं तो फिक्स डिपॉजिट में जा सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट में जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पे चौथी जो प्लान है, जो सेविंग प्लान है, वो मेरी नजर में है भैया NSC, यहाँ जी हाँ दोस्तों नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। हालांकि यहाँ पे अगर मैं बात करूं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आप पोस्ट ऑफिस से भी कर सकते हैं, यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है भैया आपको 7.9% का मिलता है। अगर आपको NSC खरीदनी है तो NSC खरीदने के लिए भी नियरेस्ट ब्रांच में जाकर के आप विजिट कर सकते हैं, NSC का फॉर्म मांगेंगे, वो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का फॉर्म आपको निकाल करके दे देंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे भी भैया आपको फिक्स डिपॉजिट की तरह एक इकट्ठा पैसा देना है। आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे हर महीने पैसा जमा कराएंगे, नहीं दोस्तों, यहाँ पे इकट्ठा पैसा आपको पे करना होगा NSC के अंदर। वहां पे एक बॉन्ड आपके लिए बना दिया गया, एक बॉन्ड आपसे साइन करा लिया गया कि आप अपने पैसे को इसके अंदर पांच सालों के लिए तो रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा टेन्योर है इसका, पांच साल के अंदर अंदर आपकी मैच्योरिटी हो जाएगी और पांच साल के बाद जो भी आपका पैसा होगा उस पे 7.9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा, जो कि सबसे अच्छी बात है। तो दोस्तों ये चार स्कीम है जिसके अंदर मैंने FD आपको कंप्लीट कर दिया है, रिकरिंग डिपॉजिट मैंने कंप्लीट कर दिया, SIP मैंने कंप्लीट कर दिया और NSC भी मैंने आपको बता दिया। ये चार स्कीम्स है जहां पे आप शॉर्ट टर्म के अंदर अपने गोल्स को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये सारी की सारी चीजें आपको पसंद आई होंगी। अगर ये सारी की सारी चीजें आपको पसंद आई है या अभी भी आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और जैसा कि आपको बताया कि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई 24 आवर्स के अंदर कर देता हूं, तो अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप हमें कमेंट करें, आपके कमेंट का भी रिप्लाई 24 आवर्स के अंदर आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर से आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए लेता हूं आपसे विदा, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।